Hey guys, welcome back to my channel. मेरे पहले वीडियो को इतना huge success देने के लिए thank you so much guys. मतलब यहाँ से thank you. तो guys आज हम बात करने वाले हैं. तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही क्रिएटिव, एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही यूनिक चीज की, जो है फैशन. अबे ये नहीं भैया, थोड़ी सस्ती वाली देना. भैया मैंने आपको सस्ता दिखाने बोला था, आपने तो टट्टी ही दिखा दी. तो इमेजिन कीजिए आप एक लड़की हैं. तो इमेजिन कीजिए आप एक असली लड़की हैं और आप अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग पे गई हैं और रात होते ही सब अपने अपने टेंट्स में सो जाते हैं. लेकिन आप सुबह लेट उठती हैं हमेशा की तरह और आपको आपके सारे दोस्त छोड़ के जा चुके हैं हमेशा की तरह और आपको कोई आइडिया नहीं है कि अपने टेंट को कैसे फोल्ड करना है. आई नो ये स्टोरी क्योंकि सेंसिटिव बन रही है, लेकिन तुम्हारी बोरिंग जिंदगी से तो बेटर रही है, तो सुन लो. अब आप क्या करेंगे, उसको फोल्ड करने की कोशिश? नहीं, अब उसको फोल्ड नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने टेंट को फ्रॉक बना के अपने ऊपर पहन के घसीट के लेके जाएंगे अपने दोस्तों के पास और कहेंगे तेरा बाप करेगा फोल्ड. यार फोल्ड करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन ये कितना इजी और कन्वीनियंट है. यार मतलब ठीक है, जब हम कपड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसको फैशन बोलते हैं, राइट? नहीं, ये तो पूरा का पूरा टेंट है, ये कैसा फैशन है? कैसा कुछ भी. क्या तुम लोगों ने कभी ये वाला कैंडी खाया है? खाया ना, अच्छा होता है. लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी चलता फिरता देखा ये? नहीं. नहीं देखा? नहीं. मैं दिखाता हूँ. बचना ऐ हसीनो, तो मैं आ गया. ए बचना ऐ हसीनो, लो मैं. बेचारे को देख के ऐसा लग रहा है उसको बहुत तेज पेशाब आ रहा था. तो करना, लेकिन उसकी पजामी इतनी टाइट थी बेचारे से उतरी नहीं, उसका बीच में निकल गया और वहाँ पे इकट्ठा हो गया नीचे. इसका पेशाब का गुब्बारा एकदम फटने वाला, मतलब कोई सुई ना मार दे उसके, वरना जो इसके प्लाजो में पूरा पेशाब का प्रेशर है ना, वो इतनी स्पीड से बाहर निकलेगा ना तुम लोग के मुंह पे, हम सबका फ्री में वाटर पार्क बन जाएगा यहाँ पे. भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी. अबे इनसे अच्छा फैशन तो हमारी सबकी फेवरेट डिंचक पूजा दीदी कर लेती हैं. कुछ भी यार, मतलब देखो देखो इस खूबसूरती को, एकदम 20 रुपए की बारबी डॉल लग रही है जो मेलों में मिलती है. I'm sorry, मैं मजाक कर रहा सी. यार इतनी वाहियात चीजें देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई चीज बची होगी इससे वाहियात. अरे मोगली की बहन कहाँ से आ गई? ठीक है, मुझे भी पता है कि मेरा स्टाइल यूनिक होना चाहिए ताकि हम भीड़ में यूनिक लग सके, अलग लग सके, स्टैंड आउट कर सके. इतना भी यूनिक नहीं लगता कि सर पे भोपड़ा उड़ाओ. गाइस इसके सर में जुए होंगे, उनको कितना ऊपर से व्यू मिलता होगा ना 10th फ्लोर से. हाँ वही जुए, लोगों के सर में जुए पड़ती है, लोगों के सर में डैंड्रफ पड़ती है, लेकिन ये 2021 है गाइस, आजकल लोगों के सर में जुए नहीं पड़ती. तो इनके सर में पता क्या पड़ा है? इनके सर में पूरा का पूरा जिराफ पड़ा है. अरे इस बहन के सर पे पूरा जिराफ पड़ा हुआ है, अभी उसको पत्ते भी खिला रही है. बेचारी की शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है उसको बटर चिकन चाहिए था, उसको पत्ते खिला रही है. एक तो हम लोंडो के मुंह पे मूछ नहीं आ रही इधर, और इस तरफ ये दीदी के पिछवाड़े तक पे मूछ है. हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों से डील करना होता. जलवा ये पक्का
बाबा रामदेव की भगत ऐसे ऐसे कर रही है ना। ऑल्सो ये वीडियो देख के मुझे मेरे बचपन की याद आ गया, जब मैं स्कूल जाने से पहले नाटक करता था। माँ मेरा पेट बहुत दुख रहा है, माँ मुझे स्कूल मत भेजो, माँ मैं बच नहीं पाऊंगा माँ। और मेरी प्यारी माँ मुझे थप्पड़ मारती थी और स्कूल भेजती थी। एंड गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोग को मेरी बोरिंग वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना। 90% से ज्यादा लोग जो मुझे देखते हैं वो मुझे सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ उन्होंने ने। तो प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड मुझे कमेंट में बताओ कि तुम अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो या फिर क्या देखना चाहते हो। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे।